होती थी ब्लैक होती थी अंग्रेजों की वर्दी रहती है, तो पानी में दुश्मन को पहचान लेते हैं, इसको बोलते हैं चोर दरवाजा यानी। तो खजाने की चाबी नक्शा लेके कुएं में पानी में देख सकते हैं कि बावली को पूरा बंद कर दिया। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन व्लॉगर में। तो गाइस, आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बड़ा इमामबाड़ा है, तो आज हम आपको पूरा ही बड़ा इमामबाड़ा घुमाने वाले हैं एंड उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो जब तक आप वीडियो में बने रहिएगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन आपने दबा ही दिया हुआ क्योंकि आप डेस्टिनेशन व्लॉगर के व्यूअर हैं। तो हम लोग अमन भाई को कॉल करते हैं एंड चलिए चलते हैं। चल 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 तो गाइस, अमन भाई हमारे आ चुके हैं। तो अमन भाई कहाँ घुमाने रहे हैं पब्लिक को? आज जा रहे हैं बड़े इमामबाड़ा। ओह ग्रेट, तो गुलबलैया है, बावली है, उसे एक्सप्लोर करेंगे सब। ओके, तो लेट्स गो। हेलो गाइस, तो हम लोग बड़ा इमामबाड़ा के अंदर आ चुके हैं और एंट्रेंस देख सकते हैं आप लोग, एंट्रेंस वहाँ पे है। हम लोग अब जाएंगे मेन गेट के पास जहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। हम लोग ने टिकट ले लिया है एंड देख सकते हैं, और टिकट हम लोग को जो इंडियन से उनको 50 रुपीज़ पर रेट पड़ेगा। और इसमें जो है आप 3 बिल्डिंग है वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। तो गाइस, हम लोग बावली के अंदर आ चुके हैं और हमारे टूर गाइड जो है यहाँ पे शादा भाई हैं। खो चुके हैं जो कि अभी बेसिकली वो खो चुके हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। भाई इधर गए भाई, हमारे शादा भाई मिल चुके हैं एंड शादा भाई हम लोग का वेट कर रहे हैं। वाओ, तो चलिए उनके पास चलते हैं। अपने उस जुबान से यहाँ की बावली की सारी कहानी सुनाएं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई दिखाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको गेट दिखाऊंगा। गेट के अंदर थोड़ा सा बना हुआ पानी, उस पानी में आती है कलर की, जैसे कि हम लोग सब लोग यहाँ पे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पर जो अंदर वाला बंदा होता है उस पानी से वो आपको देख सकता है, पर आप लोग यहाँ से खड़े होकर पानी के अंदर वाले को देख पाएंगे नहीं, यहाँ से तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। पर हम आपको कहाँ तक दिखाएंगे लोगों को, यहाँ तक कि वो नीचे वाले की पत्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ तक, जैसे लोग बैठेंगे की फोटो दिखाएंगे सिर्फ पानी पानी से फोटो दिख जाएगी। आइए, ये पुराने जमाने का मुझे लगता है कैमरा था, बिल्कुल 240 साल पुराना कैमरा। तो गाइस, यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं कि बावली में 240 साल पुराना कैमरा है। तो शादाब भाई, अभी शादी आदि हो चुकी है? शादी नहीं करना चाहते अभी, अभी आपको यहाँ पे घुमाना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग बिल्डिंग पे गौर करें, यहाँ पे बिल्डिंग के बने किस चीज़ से होंगे, यहाँ पे 3 इमारतें यानी कि शाही वाली मस्जिद और दरगाह। जो नवाब आसिफ खान ने यहाँ पे 3 बिल्डिंग बनाई, तीनों बिल्डिंग बने किस चीज़ से? किस चीज़ से बनी? वो जमाने में ना सरिया ना सरमेंट बालू कुछ नहीं था, सिर्फ खाने पीने के आइटम होते थे। पहला क्या होता था, सिंगाड़े का आटा, उड़द की दाल, गन्ने का जूस, गुड़, सोना, शहद, लाल वाली मिट्टी, फिरकी। अच्छा। बिल्डिंगे उससे बन के तैयार हुई। यहाँ पे 3 इमारतें बन गई होंगी पर रुकी कैसे होंगी, इसीलिए हर जगह पे देखते विंडो के रास्ते खोल के रखे आते हैं हवा के लिए, हवा के लिए और रोशनी के लिए। ये बिल्डिंगे जो होती हैं हवा से पास, जब विंडो के रास्ते हर जगह से बंद कर देंगे तो बिल्डिंग में बनती है, एयर बन जाएगी, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी क्योंकि अंदर से बिल्डिंग पूरी खोखली है। 1700 में या 90 में आप लोग यहाँ पर लाइट तो थी नहीं, क्या देते थे कैंडल और चिराग, इसीलिए यहाँ पे नवाब वास्ते हर जगह पर साखे बनवाई है, बनाए गए ये पूरे कैंडल्स वगैरह, कैंडल और कैंडल चिराग के लिए, ताकि यहाँ पर सैनिक लोग रहेंगे तो रोशनी के लिए। इसमें रहते कौन लोग थे शादा भाई? सैनिक रहते थे, नवाब सिपाही रहते थे। जी हाँ,
नवाबों की वर्दी जो होती थी ब्लैक होती थी, अंग्रेजों की वर्दी रेड। तो पानी में दुश्मन को पहचान लेते हैं, इसको बोलते हैं चोर दरवाजा। यानी कि हम लोग यहाँ से पानी में बाहर वाले को देख सकते हैं। जब हम लोग बिल्डिंग के बाहर से जब पानी में देखा अंदर वाले को, तो कोई बंदा नजर आया नहीं, नहीं बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखाई। अब पानी में अगर आप दुश्मन को पहचानेंगे तो मारेंगे काम। सही बात है। उसी के ऊपर मेन गेट की सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर के देखिएगा नदी में नजर आएगी। जी जी, कलर नहीं आ रहा। आपको नीम की पत्तियाँ देखी जो मैंने आपको बताया था बिल्डिंग के बाहर वाले को जी कहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर अंकन बंदा खड़ा हुआ है, ये सब कलर्स देख सकते हैं सिर्फ पानी के जरिए। यही पुराने ज़माने में कैमरा था जो सैनिक लोग यूज़ करते थे अपने एनिमी को देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे नवाब आसिफ अली ने कुआं बनवाया पानी का, जिसका कनेक्शन क्या गोमती नदी से। सबसे पहले जो इमारत बनवाई बाहर वाली मस्जिद नमाज के लिए, उसकी बिल्डिंग बनवाई दरगाह यानी कि राष्ट्रीय पूजा पाठ के लिए, उसकी बिल्डिंग पूरी इसको कम्प्लीट करी। अब जब पानी तैयार हो गया तो पानी का उसके बाद काम था। तो नवाब साहब की जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, नवाब साहब के जो खास सिपाही थे मेवालाल रस्तोगी, उनके पास खजाने की चाबी थी और नक्शा था। तो अंग्रेजों ने खजाने की चाबी छीनने की कोशिश करी पर उन्हें नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपनी वफादारी दी गई। उनको पता था अगर मैं दे दूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, नहीं देंगे तो जब भी मार देंगे, उनको तो मर नहीं था। तो खजाने की चाबी नक्शा लेके कुएं में पानी गए, अंग्रेजों ने उनका पीछा किया खजाने की चाबी का। अरे खजाने की चाबी अंग्रेजों को मिलती तो क्या करते हैं, वो खजाना लूट लेके लूट लेते। पर उनको चाहिए क्या था, उनको सिर्फ चाहिए था नक्शा। अच्छा अच्छा। अब वो नक्शा मिल जाता तो ऐसे ही मारते, वो अपने देश में बना लेते। खजाना तो उनको जब मिलेगा जब उनके पास नक्शा होगा, जो नक्शा मिल जाएगा उससे पता लगा सकते हैं खजाना किस जगह पे रखा हुआ है, जो आज तक किसी को नहीं पता। ये शाही बाहुली के बारे में शादाब भाई बता रहे थे, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमेट्री के साथ सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर ये कितना फीट गहरा था, यहाँ पे ये 260 फीट गहरा हुआ था। और इसी में जो है खजाने की चाबी के साथ वो नक्शा लेके कूद गए थे। काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो उसके नीचे जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पे हम लोग को एक और रास्ता मिलता है। चलिए हम लोग नीचे चल के देखते हैं। वैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नीचे आ चुके हैं और ये देख सकते हैं कि बावली, हम लोग प्रॉपर नीचे से देख सकते हैं कि बावली को पूरा बंद कर दिया। बावली का ये मेन गेट है। अब मेन गेट के सामने जो भी बंदा आ रहा है जा रहा है पर ये आपको नहीं देख पाएंगे। अच्छा, अच्छा। पर हम लोग यहाँ से बाहर वाले आ रहे हैं वो आपको क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग अंधेरे में वो बिल्डिंग के ऊपर बाहर वाले जाइए बाहर से गायब होकर अब यहाँ देखिए नजर आया। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे दरवाजे हैं और भूलने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बना हुआ है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आए थे, वहाँ पे कुछ जीनों चढ़े थे एंड अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से जीने अभी हमें दोबारा से चढ़ रहे हैं। 20 मेन गेट पे 15, वहाँ पे 35, 10 इसको मिला के 45, ठीक है। ये 45 जीने काउंट करके आना, इसके बाद कोई जीने आपको रिटर्न वापस नहीं आना। लाइट में आपको लेके अभी लेके कहाँ से जा रहा हूँ, लाइट में आपको निकलना कहाँ से, ये आपको देखना होगा। तो क्या हम 8 जीने काउंट करने के बाद जो है 8 जीने जैसे आप काउंट करेंगे, जैसे बिल्डिंग आने में टाइम लगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा और आपको जाने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। अच्छा, तो हम लोग को ऊपर चढ़ने में जो है 45 जीने चढ़ने पड़े। 45 जीने में जीने जो उतरे यहाँ वहाँ वो जो बिल्डिंग में आपको देखिए बिल्डिंग आपको आने में टाइम लगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट। जी जी, जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, जाने में भी उतना ही लगेगा। जी जी, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा 10 सेकंड। अच्छा, कहाँ किस जगह से निकालेंगे आप? जिस जगह से निकालूंगा 10 सेकंड। अच्छा, 10 सेकंड में आप हमें बाहर का एंट्रेंस तक लेके जाएंगे। तो गाइज हम आप मेरी वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 सेकंड में हम लोग कैसे बाहर निकल। चलिए शादा भाई, 10 सेकंड का आप काउंट कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं, जैसा कि शादाब भाई ने बताया था कि वो 10 सेकंड में बाहर निकालेंगे, लेकिन हम लोग एक्चुअली में ही 6-7 सेकंड में बाहर आ चुके हैं। तो और शादाब भाई आप बताइए, बस आप लोग की दुआएं, बस आप लोग ये दुआ करनी है कि शादाब भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाए। ये क्या बात करता है यार, नहीं शादी नहीं, मेरे भाइयों को शादी करवा, शादी तो अपने आप होगा। नहीं नहीं, बस मेरे भाई को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।
चलिए थैंक यू शादा भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। फाइनली गाइज, तो हम लोग का बावली का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, अगर हम लोग बावली का और व्लॉग डालेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके लिए 3 व्लॉग अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। बाय गाइज़।